उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा आए दिन मरीजों के इलाज में लापरवाही की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में गाजीपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल बिरनो थाना क्षेत्र के बद्दोपुर निवासी मनोज कुमार ने बताया कि वो चाउमीन बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन उनका 3 वर्षीय भतीजा खेलते समय भगोने के पानी से जल गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद परिजन आनंद फानन में बच्चे को जिला अस्पताल ले आए, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर द्वारा बच्चे का इलाज नहीं किया गया और बच्चे की अभी भी हालत स्थिर बनी हुई है। मेरा भतीजा है, वो पानी उबल रहा था, उसी से जल गया, गिर गया। कितने बजे जला है बच्चा आपका? 3 घंटा हुआ। 3 घंटा आज आप जिला अस्पताल लेकर आए हैं बच्चे को 11:30 बजे। उपचार हुआ है? इलाज हुआ है? अभी तो कोई मलहम लगा है जी, सुई लग गई। आपको कोई बड़े डॉक्टर सर्जन को रिफर किया गया है कि आपको सर्जन अभी आके देखे या नहीं? बड़े डॉक्टर? अभी तो बड़े डॉक्टर ने जी, 1 घंटा हो गया है तो क्या माना जाए, अस्पताल में लापरवाही हो रही है मरीजों के साथ या करवा? लापरवाही मतलब लापरवाही ही है। हम जो है रात 10 बजे के आए हैं, कोई डॉक्टर अभी मिला नहीं। सुबह एक डॉक्टर पेशेंट को चोट लग गया था, छत से गिर गया था पेशेंट, और जो है उसको चोट लग गया है। डॉक्टर साहब आए और सुबह देख के फिर कहीं प्राइवेट में बैठ देखने चले गए। कौन डॉक्टर थे वो? तपन, डॉक्टर तपन कुमार। और सर्जन आपको मरीज को देख? नहीं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया जी। तो मतलब जूनियर डॉक्टर जिला अस्पताल में इलाज कर रहे हैं मरीजों का? अरे जूनियर डॉक्टर भी नहीं आ रहा है, यहाँ तो सब नर्सों के भरोसे जिला अस्पताल चल रहा है जी। इस सब को लेकर आपने इसकी शिकायत CMS या प्रिंसिपल से किया है? हाँ, प्रिंसिपल जो है फोन नहीं उठा रहा है जी। कई बार आप क्या करेंगे आप लोग? अब जो हम लोग बनारस जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ इलाज का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब हम बनारस जा रहे हैं। सरकार लाख दावे कर रही है कि अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को मतलब हर छूट दी गई है करने के लिए, सब हवा हवाई है क्या? ये सब सरकार की बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। यहाँ कर्मचारी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर के जिला अस्पताल में, जहां देख सकते हैं एक बर्न इंजरी आया था, जिसको लेकर लोग उपचार किए। 1 घंटे होने को अभी तक कोई सर्जन नहीं आया है। इसी सब मामले में कि क्या है मरीज की कंडीशन, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, बात समझे जी। सर, अब एक पेशेंट आया था बर्न इंजरी, क्या कंडीशन है? डॉक्टर साहब ड्यूटी पे हैं, इनसे बात करिए। क्या कंडीशन है मरीज की? कंडीशन थोड़ा सा बच्चे का लगभग बर्न लगभग 30% के अराउंड है, और हमने कॉल किया अभी सर्जन को, अभी बस सर्जन आने वाले हैं। सर 1 घंटा हो गया, 30-35% संभवतः पेशेंट जला हुआ, 30 लगभग बोला हूँ मैं जी, लगभग 30 बोला हूँ, बहुत तो 25 ही हो, 30 बोला हूँ जी। वही सर, अभी वार्ड में हम लोग गए हैं, आ रहे हैं जी, सर्जन आ रहा है। मतलब सर्जन है, अगर सीरियस पेशेंट है तो 1 घंटे में अनकॉल आते हैं? नहीं नहीं, मरीज उतना सीरियस नहीं है जी। रात में कल एक एक्सीडेंटल मरीज है, मरीजों के परिजन का कहना है कि अभी तक कोई सर्जन नहीं देखे। रात का मुझे नहीं पता, रात का मुझे सर, शाम में राउंड पर आए हैं, मुझे नहीं पता। अरे सुबह के टाइम मुझे नहीं पता इसके बारे में जी जी जी, मैं अपना मरीज देखता हूँ, मेडिसिन का पता। वही डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्जन को अनकॉल किया गया है, अब देखना होगा कि कितने देर में सर्जन आ रहे हैं। आप देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरएफ पॉलिसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।